हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अमेज़न पेंट्री अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं। आज मेरे घर में दो बॉक्सेस आए हैं अमेज़न से, और ये पहला मैं बॉक्स अभी ओपन करके दिखाती हूँ इसमें क्या क्या सामान आया है, और उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम लोग। अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ, अब मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। इसमें इस तरह से ये लोग कवर डाल देते हैं ताकि अगर कुछ बॉटल वगैरह हो तो वो सेफली आ जाए। अब मैं आपको सामान दिखा देती हूँ, और ये बहुत ही सेफ आके घर पे पहुँच जाता है। विद इन 24 आवर्स हमारे डोरस्टेप पे आता है जो भी हम सामान मंगवाएं, और प्योर रहता है और बहुत ही अच्छी पैकिंग रहती है। अलग अलग ब्रांड के हम जो भी सामान सिलेक्ट करके ऑर्डर करते हैं वो सभी आ जाता है। जैसे ये टाटा संपन्न का हल्दी है, और ये वेदिका का रवा है। इस तरह के सब अलग अलग ब्रांड से हम सामान ऑर्डर करते हैं, और वो सभी हमारे डोर स्टेप पर पैक होके आ जाता है। इस तरह से ये चौड़ी है, और हमेशा हम इसी तरह से सामान मंगवा रहे हैं। करीब 2 साल से हम लोग अमेज़न पैंट्री से ही सामान मंगवाते हैं। ये देखिए, ये पोहा है। इस तरह से मुझे जो भी ज़रूरत किचन में पड़ती है, या हम सोप वगैरह भी मंगवाते हैं, वॉशिंग पाउडर मंगवाते हैं, जो भी सामान है हमें बाहर जाके लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ 24 घंटे में हमारे दरवाजे पे आ जाती है, और बहुत ही सेफ्टी के साथ वो हमें सामान डिलीवर करते हैं। ये भी पोहा है, ये टाटा संपन्न का है। अब मैं आपको दूसरे बॉक्स में सामान दिखाऊंगा। ये हमारा सेकेंड बॉक्स है, मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। काफ़ी अच्छी तरह पैकिंग होती है ताकि सामान फैले नहीं, अंदर से गिरे नहीं। अब ये मेरा बॉक्स नंबर 2 है। जैसे जैसे जो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो मैं मंगवाती जाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छी तरह पैक किया गया है ताकि अंदर से सामान हिले नहीं। और मैंने मंगवाया है 5 लीटर तेल, ये फॉर्च्यून का तेल है, और ये राइस ब्रांड तेल है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, और हम हर 2-3 महीने में जब भी तेल मंगवाते हैं तो अलग अलग ब्रांड का मंगवाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि एक ही ब्रांड का तेल खाना नहीं चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए। और ये काफ़ी हेल्दी है, ऑयल लेस कोलेस्ट्रॉल, काफ़ी हेल्दी है। और जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे कभी भी खाना मेरा ऑयली नहीं लगता है, और कुछ स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। ये रिफाइंड ऑयल है, और हम रिफाइंड ऑयल में ही हमेशा खाना बनाते हैं। और इस साइड देख लेते हैं कि क्या आया है सामान हमारा। ये देखिए, ये है फॉर्च्यून का बासमती राइस। हमेशा बासमती राइस फॉर्च्यून का, ये काफ़ी अच्छा चावल है, और इसे हम बहुत दिनों से इसे ही यूज़ कर रहे हैं। ये डेली यूज़ के लिए है, और डेली यूज़ के चावल बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इससे हम पुलाव वगैरह या खीर वगैरह भी बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही खुशबूदार और अच्छा चावल है। इसके साथ कुछ और आया है, वो है ये साबूदाना। ये 1/2 किलो का पैक है, वेदिका का साबूदाना है। ये भी 1/2 किलो का पैक है, वेदिका का साबूदाना है। दाने देखिए एकदम अच्छे हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, या बहुत बड़े या बहुत छोटे नहीं हैं। मैं इसी ब्रांड का साबूदाना हमेशा यूज़ करती हूँ। हाँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है गुड़ का पाउडर, जागरी पाउडर, जो कि ऑर्गेनिक है। मैं हमेशा यही गुड़ यूज़ करती हूँ। ये अनएडल्ट्रेटेड है, और बहुत ही अच्छा है, स्वाद भी अच्छा है इसका,
और इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं रहता है, बहुत ही अच्छी तरह पैक्ड है और जब तक भी हम रखते हैं इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं बनती है। है मेरा नेक्स्ट, ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च। मैं ज़्यादातर कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये खाने में डालते हैं तो उसमें अच्छा कलर आ जाता है, बट ये लेस तीखा रहता है, कम तीखा रहता है। अब ये नेक्स्ट आया है आइटम जीरा, ये करीब 200 ग्राम्स है, 200 ग्राम जीरा है, ये वेदिका का है। वेदिका के ब्रांड के सभी सामान बहुत ही अच्छे रहते हैं, हम काफ़ी दिनों से इसे यूज़ कर रहे हैं और ये जीरा तो आपको पता है रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ है। और अब आ जाता है ये है राजमा मसाला, ये एवरेस्ट का राजमा मसाला है और ये काफ़ी अच्छा रहता है। और इसका ये मसाला डाल के जब हम राजमा या चना वगैरह बनाते हैं तो बहुत ही स्वाद आता है। तो ये सारा आइटम मैंने इस महीने में अभी मंगवाया है। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस देखनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।